तो ये है तरीका जिससे आप 2 साल में यूके के अंदर नर्स बन सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और अगर आप यूके के अंदर नर्स बन जाते हो तो अपनी फैमिली डिपेंडेंट सबको रख सकते हो अपने साथ में, कोई भी इशू नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिबर्टी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ ना भाई, सबके साथ शेयर करना, जिस जितनों के साथ शेयर कर सकते हो ना उतने लोगों के साथ शेयर करना जो यूके के लिए इंटरेस्टेड है। अब आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल से कि 2 साल के अंदर कैसे नर्स बन सकते हैं विदाउट नर्सिंग बैकग्राउंड, उसी के बारे में बात करने वाला हूं मैं। पूरा बताऊंगा कैसे बन सकते हो आप, आपको कोई भी नर्सिंग बैकग्राउंड बीएससी एएनएम जीएनएम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है और कैसे आप बन सकते हो उसके बारे में बात करूंगा मैं। आपको कोई भी सीबीटी देने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑस्की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो नर्स के लिए यहाँ पर, अगर आपको नर्स बनना है रजिस्टर्ड यूके के अंदर तो ये एग्जाम देने पड़ते हैं, सीबीटी ऑस्की वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊंगा आप कैसे आराम से नर्स बन सकते हो, ठीक है। आप चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आपका आईएलटीएस क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब भी आप आ सकते हो, तब भी बन सकते हो नर्स। अगर आप इंजीनियर हो तब भी आप नर्स बन सकते हो, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो तब भी नर्स बन सकते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप नर्स बन सकते हो यूके के अंदर। और क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मैं नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइस, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई यार 30 लाख रुपए दे देते थे, 35 लाख रुपए 25 लाख रुपए दे के हम जो है यूके के अंदर आ जाते थे केयर वीजा पे, लेकिन उसके बाद भी आपको केयर वीजा पे अगर आते हो तो केयर वर्कर वाली जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, सबको पर्सनल केयर देना, ये करना वो करना। अगर आप इतना इन्वेस्ट करके अगर आप नर्स बन सकते हो यूके के अंदर तो उससे अच्छी क्या बात होगी। देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये एजेंट को नहीं दोगे आप, ये पैसा जो भी इन्वेस्ट करोगे वो अपने ऊपर करोगे, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए करोगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको यूके के अंदर पता है कि यूके गवर्नमेंट जो है, आप मेन जो टारगेट है उनका यह है कि जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं उनको पहले तो ट्रेंड करें कि वो केयर सेक्टर में आए, ठीक है। और अगर बाहर से भी कोई आ रहा है तो केयर सेक्टर में केयर वीजा पे नहीं बुलाएं, रादर देन कि हम उनको नर्स एज अ नर्स वगैरह में प्रमोट करें, ठीक है। तो वही एक प्रोग्राम है जो यूके के अंदर चलता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। और इसमें मैं यूनिवर्सिटीज बताऊंगा कितना उनकी फीस रहती है, उस सब के बारे में भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो, इसको आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है फाइंड अ मास्टर्स, ठीक है। फाइंड अ मास्टर्स टाइप करोगे तो आपको एक पेज खुल के आ जाएगा गूगल पे, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है, ऐसा नहीं हो कि आप नॉर्मल एमएससी में कोर्स एडमिशन ले लो, ठीक है। आपके पास बैचलर्स डिग्री वगैरह होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खाली 12th कर लिया है और आप सपने देख रहे हो कि नर्स बन जाओगे यूके के अंदर, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, देखो मैं दो चीजें बता दूं आपको, एक तो प्रैक्टिकल आवर्स देखते हैं लोग और एक थियोरेटिकल आवर्स देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आवर्स और थियोरेटिकल आवर्स क्या होते हैं, कितने चाहिए होते हैं, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब आपको प्रोग्राम कौन सा है उसके बारे में नाम बता देता हूं। इस प्रोग्राम का नाम है एमएससी प्री रजिस्ट्रेशन नर्स, ठीक है। अब आप चाहे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नर्स जो है वो किस में बनना चाहते हो, एडल्ट में बनना चाहते हो, मेंटल हेल्थ में बनना चाहते हो, ठीक है, और बहुत ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं इसकी, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस में बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप एडल्ट में बनोगे तो आप जो है सब जगह जॉब कर सकते हो, ठीक है, यूके के अंदर। अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो एडल्ट में सबसे ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, वो सब जगह जॉब कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी और केयर होम्स में, हर जगह मतलब वो जा सकते हैं एडल्ट वाले, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हो, ये प्रोग्राम जो है 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स करना पड़ता है इसमें, और उसकी 1 साल की फीस है लगभग 15,000 के आसपास, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, वो 15,000 pounds के आसपास फीस रहती है 1 साल की, तो 2 साल की लगभग 30,000 pounds हो गई। तो अगर आप 30 लाख रुपए एजेंट को देने को तैयार हो तो इससे अच्छा क्यों ना अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट नर्स बन जाओ। और नर्स अगर बन जाते हो यूके के अंदर तो भाई जिंदगी सेट है, मीन्स पैसा ही पैसा है,
और यहाँ पर नर्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और अगर आप एक्स्ट्रा एजेंसी के थ्रू वर्क करते हो तो भाई मतलब पूछो ही मत, 20 पाउंड से स्टार्टिंग है और 25 पाउंड 30 पाउंड तक भी दे रहे हैं बहुत सारे लोग। तो पर आवर की बात कर रहा हूँ मैं। तो नर्स अगर आप बनना चाहते हो तो ये प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हो, 2 साल का प्रोग्राम कर लेते हो, तो इसमें 2 रिक्वायरमेंट रहती है, एक थ्योरी आवर्स की, एक प्रैक्टिकल आवर्स की। तो थ्योरी आवर्स तो आपने अगर जो भी स्टडी करी होगी, लाइक इंजीनियरिंग करी है या फाइनेंस रिलेटेड कोई कोर्स किया है, बीएससी करी है किसी नर्सिंग बैकग्राउंड में, नहीं बीएससी करी है किसी और चीज में, तो आपके जो थ्योरी आवर्स हैं वो काउंट हो जाएंगे, प्लस आपको कोई एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगती हैं, लेकिन बहुत सारी है जो कस्टमर से, कोई भी अगर आपका कस्टमर सर्विस दी है, मीन्स आपने एडमिन की जॉब करी है या कस्टमर से आपने डील करा है, वो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कंसिडर कर लेती है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, तो वो आपको उनकी यूनिवर्सिटीज में पता करना पड़ेगा या फिर उनके डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है जिससे आप 2 साल के अंदर सीधे सीधे नर्स बन जाते हो, और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको हेल्प करेगी क्लिनिकल प्लेसमेंट में, और मतलब हर चीज में आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आपको जो है नर्सिंग बैकग्राउंड की ही क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको नर्सिंग बैकग्राउंड का ही क्वालिफिकेशन चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, प्री रजिस्ट्रेशन नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम के बारे में चेक करें, अगर आप नर्स बनना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, और अगर आप यूके में एक बार नर्स बन जाते हो तो आप किसी भी अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, और अच्छा पैसा कमा सकते हो लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। ये ऐसा नहीं है कि 30 लाख रुपए दिए एजेंट को और केयर वीजा पे आ गए 3 साल के लिए, उसके बाद परेशान हो रहे लोग को तो काम नहीं मिल रहा है। अगर यही पैसा अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपका फ्यूचर जो है पूरा सिक्योर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स करवाती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी मोस्टली सारी करवाती हैं, लेकिन जो मैंने जो सेलेक्ट करी हैं वो यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं, उनमें आप जाके देख सकते हो और उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ। नंबर 1 है हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें बेनिफिट ये है अप्लाई करने का कि ये जो है कम प्रैक्टिकल आवर्स भी कंसीडर कर लेती है, लगभग 300 के आसपास कंसीडर कर लेती है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सेकेंड है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, ये वाला भी कोर्स करवाती है ये यूनिवर्सिटी, आप इनसे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे इस कोर्स के बारे में पता कर सकते हो। उसके बाद आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह देखेंगे तो वो देखिए 9,250 पर ईयर है। यही उनके लिए है जो यूके के रेसिडेंट हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं है, इंटरनेशनल के लिए नहीं है, ये जो ऑलरेडी यूके के अंदर है उनके लिए है फ़ीस ये। और आपको 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट भी मिलता है, तो ये यूके के अंदर जो लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद जो 3rd यूनिवर्सिटी है मेरी लिस्ट में वो है ग्लासगो यूनिवर्सिटी। इसमें भी आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो फीस है वो है 19,300 की इंटरनेशनल स्टूडेंट पर ईयर की कोर्स फी है। ठीक है, और इसमें आप जाके इसका चेक कर सकते हो कि इसमें कितने आवर्स इन्होंने मांगे हैं। तो ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है मेरी लिस्ट में, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है। और इनके प्रैक्टिकल आवर्स और थ्योरी आवर्स आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस यूनिवर्सिटी में अपनी इंक्वायरी दो, इंक्वायरी सेंड करो और उसकी पूरी डिटेल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद 4 है मेरी लिस्ट में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम। ये यूनिवर्सिटी भी ये वाला प्रोग्राम करवाती है और स्टूडेंट कंसीडर करती है, लेकिन इसमें थोड़े सी जो है प्रैक्टिकल आवर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा मांगते हैं, तो आप इनसे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हो कि अगर वो थोड़े कम आवर्स भी कंसीडर कर लें तो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी मैंने आपको बताई दिया वो फाइंड द मास्टर्स करके जो है उसमें बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं किसमें कितने प्रैक्टिकल आवर्स मांगे हैं, किसमें कितने थियोरेटिकल आवर्स मांगे हैं, और उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है तरीका जिससे आप 2 साल में यूके के अंदर नर्स बन सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और अगर आप यूके के अंदर नर्स बन जाते हो तो अपनी फैमिली डिपेंडेंट सबको रख सकते हो अपने साथ में, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइज, और अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा तो उनके साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।